है, बचा लो मुझे। लौंडे लौंडे नहीं आ सकते। बाइक इधर खड़ी है और हम निकलने वाले हैं आगे की तरफ। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो चलो चलते हैं, अब हम आगे निकलने वाले हैं। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बाहुबली हिल्स। बाहुबली हिल्स लेके जा रहे हैं, उसके बाद हम एक और जगह जाएंगे, बताएंगे नहीं आपको, चलते हुए बता दें फटाफट से। ये यहाँ पे एग्जिट है और यहाँ अंदर बाइक खड़ी हुई है। सेफ्टी यहाँ बेसिकली मैं पहले कहीं और देख रहा था, लेकिन हुआ क्या कि मेरे को लगा, मैंने पूछा इनसे पार्किंग का क्या फैसिलिटी है, तो इन्होंने कहा अंदर खड़ी करी थी और रात को ये लॉक भी लगा दिया था इन्होंने। सो इसे इसे सेफ है, इसलिए मैंने यहाँ खड़ी करी। चलो बाइक निकालते हैं पहले फटाफट से। ये रूट हमारा जाता है बाहुबली पहाड़ की तरफ, बेसिकली जो लेक्स के बीच में एक सेंटर में एक पहाड़ टाइप का, उसका नाम बाहुबली है। बट मुझे ये नहीं पता और किसी से कंफर्म किया, किसी को भी नहीं कंफर्म कि ये नाम उन बाहुबली का वो पहले से ही है या बाद में पड़ा है, मींस कि मूवी के बाद पड़ा है या मूवी से पहले था। सो देखोगे यहाँ पर आपको काफ़ी माउंटेन दिख जाएंगे उदयपुर के। बेसिकली ये जो माउंटेन से ज़्यादा ऊंचे नहीं है और इनके ऊपर कुछ ना कुछ है। ये मेरे पाजी आते हो, पाजी ने आज बहुत ही हलचल मचा दी है। यार मत पूछो यार, यार मत पूछो। सो मैं बता देता हूँ हुआ क्या बेसिकली। हाँ। जब हम होटल से निकले, होटल से निकलने के बाद मैंने कैमरा तो ऑन कर दिया लेकिन कैमरे का लेंस कवर नहीं होता। सो आपके लिए एक शूट और करना पड़ेगा जो वापसी में। तो चलो फटाफट से लेके चलते हैं। सो ये ट्रैक है, ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो मुझे धनकर का याद है इसलिए मुझे ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सो कितनी देर का ट्रैक है भैया? यहाँ से 15-20 मिनट का ट्रैक है। 15-20 मिनट का ट्रैक, ये मुझे ना धनकर वालों ने भी कहा था, बस थोड़ा सा है और थोड़ा सा है। वो मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक था धनकर लेक वाला। तब आपके साथ सब सामान भी था ना? सामान हाँ, तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डालूंगा, वो वीडियो जरूर देखना, जो मेरी हालत बुरी हुई थी और मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और वहाँ पे कोई शॉप नहीं थी, एक भी शॉप नहीं थी। सो इस वजह से टिपिकली आपने फौजी लोगों जैसी ट्रैक किया होगा पूरा। अरे बुरा हाल, मैं वहां जाके लेट के चीख मारी, मैंने कोई है बचा लो मुझे। तो एक बंदा आया, भाई ये ले पानी पी ले। चलो बट ऐसी चीजें हमें मोटिवेट करती है। हाँ ये तो है, सोलो ट्रैवलिंग के लिए और लोगों के लिए इंटरेस्ट करते कि वीडियो बनाओ। सो आपके वीडियो से ही लोग ऐसे इंस्पायर हो जाते हैं ऑफ द लेक। मैंने तो कितना टाइम वीडियो छोड़ दी थी, टाइम नहीं मिल पाया, एड्स आ रही थी, रेवेन्यू आ रहा था, बट छूट गया फिर से। फिर अब मैंने सोचा अब कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये देख लो व्यू। चलो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके मिलते हैं। सो अभी हम कहाँ पे आए हैं? बाहुबली हिल्स। अमरेंद्र बाहुबली यानी अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं। सो ये है, ये बेसिकली ये जो माउंटेन है ना, इसका नाम है अमरेंद्र बाहुबली। सो वैसे जैसा भी है, लेकिन अच्छा क्या लग रहा है कि इस साइड भी लेक है और इस साइड भी लेक है, दोनों एक जगह। एक्चुअली कुछ लोकेशंस ऐसी होती है जो कुछ देखी जाए तो बहुत अच्छी है, फोटोग्राफ में उतनी अच्छी नहीं लग रही, बट ये जो है ये फोटोग्राफ में बड़ी अच्छी लग रही है। तो मैंने कुछ फोटोग्राफ क्लिक करने लगे हैं अभी और अच्छी आएंगी डेफिनेटली। चलते हैं आपको पास से लेके चलते हैं, मानसून में बहुत अच्छी दिखेगी। हाँ तो ये जब ग्रीनरी रहेगी। हाँ अभी एक्चुअली क्या है, जो ये पेड़ पौधे है ना, माउंटेन्स है और बीच। हाँ ये पेड़ पौधे जो उनसे हैं अभी, इन पे सब में मिट्टी मिट्टी जमी हुई है, जब मानसून आ जाएगा ना तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलो आओ चलते हैं अभी आगे।
दो दिन पहले मुझे याद है मैं ऐसे ही फ़ोन यूज़ कर रहा था और मैं सीढ़ियाँ से पैर स्लिप हो गया था, तो अब मैं वो गलती नहीं करूँगा तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। यहाँ पे लगा हुआ टाइम लैप्स और हम यहाँ बैठे हुए हैं छुप के। ये भैया ने मुझे बिठा दिया, कह रहे हो उधर उनका फोटोशूट उधर प्री वेडिंग वो खराब हो रहा है तो हमें यहाँ बिठा दिया। ये ऐसे क्यों किया हमने? यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या है, वहाँ दोनों कपल खड़े हैं और कपल के आसपास छड़े लौंडे नहीं आ सकते तो ऐसा भी हो सकता है कि हम ये, वैसे मैं छड़ा नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली से हूँ। सो यहाँ फोटोशूट चल रहा है तो वो ना बेसिकली ड्रोन शॉट लेना था, इस वजह से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे टाइम लैप्स लिया जा रहा है। लेट्स सी कि देखता है टाइम लैप्स कैसा आ रहा है। सो यहाँ पे ना हमने बहुत सी फोटोज क्लिक कर ली हैं और यहाँ पे 14 मिनट का टाइम लैप्स लगा हुआ है जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे देखोगे तो ये बैठे हैं यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे हैं, अभी मैंने इनकी थोड़ी फोटो क्लिक करी। चलना नहीं चलो। सो मज़ा आ रहा है सच, बढ़िया व्यू देखो। ये ना एक्चुअली देखने में इतना नहीं अच्छा लगा, इतना ठीक ठीक था क्योंकि, लेकिन कह रहे हैं कि मानसून में बहुत प्यारा होता है, लेकिन जो फोटोज़ क्लिक करी है ना फोटोज़ बहुत अच्छी आई हैं, तो फोटो की वर्थ थी इतनी दूर आना। अब यहाँ से जाना है हमने कहाँ? यहाँ से शिल्पग्राम से होते हुए फतेह सागर, वहाँ पे 5 बजे से हम फिर अपना मानसून पैलेस, ठीक है, सज्जनगढ़। सो चलते हैं अभी यहाँ से नीचे, चल के नीचे जाके देखते हैं वहाँ से बाइक लेके। फिर अभी मुझे बाइक की चेन भी क्लीन करवानी है क्योंकि चेन क्लीन हो जाए ना तो अच्छा है, फिर आराम से दिक्कत नहीं, क्योंकि 800 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक चेन क्लीन नहीं हुई है। सो चलो चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो। चलो आ जाओ। फाइनली हम यहाँ से निकल पड़े हैं अपना बाहुबली हिल से। सो एक इन्फॉर्मेशन के लिए, जो रूट हमने पकड़ा था, अगर सपोज़ आप लोग आ रहे हो और बाइक के ऊपर हो तो आपके रेफरेंस के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, ये पुल जो एंटर करता है यहाँ से लेफ़्ट लेने की जगह वहाँ से चल जाना राइट से। वहाँ बेसिकली क्या है कि वो जो है वो डायरेक्ट आपको बाइक ले जाएगी। किस पे हो? बाइक पे हो? यहाँ से चल जाओ, ये सीधा ऊपर ही ले जाएगा आपको, यहाँ पे बहुत चल के जाना पड़ेगा। हाँ सो उनको भी मैंने ये बताया कि यहाँ से जाने जा सकते हैं। सो उससे क्या है बेसिकली आपका वो वाला रूट सारा सेफ हो जाएगा। तो ये है यहाँ का लेक व्यू। सो इस लोकेशन पे भी यहाँ की गवर्नमेंट ने एक साइकिल्स के लिए अलग लेन बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई देखा कई साइकिलिस्ट हैं। सो साइकिल्स के लिए अलग लेन है, आप अगर साइकिल है आपके पास तो आप चला सकते हो। सो यहाँ से हमने राइट मुड़ना है। तो ये सामने देख रहे हो ना, ये है शिल्पग्राम राइट। तो अभी हम लोग शिल्पग्राम आए हैं, बाहुबली जो था वहाँ पे गए, वो एंजॉय किया अच्छे से। ये दिखाने से पहले मैं चाहता था कि वीडियो को एंड कर देते ताकि अच्छे से देख पाए। तो इसके बारे में बताओ कि है क्या? एक्चुअली है यहाँ पे सब कल्चरल प्रोग्राम है, शिल्पग्राम मीन्स उसका नाम ही है, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट हैंडमेड जो स्कल्पचर बनाते हैं मॉन्यूमेंट वो बनाया है। और अलग अलग अभी ये फेस्टिवल चल रहा है राजस्थान वाला, राजस्थान में शिल्पग्राम में उत्सव मनाते हैं जिसमें अलग अलग सब स्टेट्स है, सारी पूरे इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं उनका ट्रेडिशन दिखाते हैं, उनका कल्चर। और इसके प्रोग्राम्स होते हैं रात को 6 बजे से 10 बजे तक, और वहाँ फिर अलग अलग स्टॉल है कल्चरल के, जैसे प्रोग्राम है जैसे आप ऑन द रोड पे दिखा देख रहे होंगे, तो कैमल की दिखा कैमल राइड वगैरह। तो वहाँ के कल्चर दर्शाता है शिल्पग्राम में अलग अलग स्टेट का, ठीक है राइट। तो चलते हैं हम अंदर, वीडियो अगली वाली अंदर से जाके शुरू करेंगे। यू नो द ड्रिल, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, जो मर्जी करो, बाकी एंजॉय करो। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुड ट्रिप साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।